गुड इवनिंग सारे बच्चों, आज पार्टनरशिप का रिकंसिलेशन का डेथ ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर लेक्चर फोर में आज हम बात करेंगे आपके साथ एक्सक्यूटर्स का लोन अकाउंट बनाना। मीन्स जो डेथ पार्ट डेथ करता है कोई भी पार्टनर, तो उनको जो अमाउंट जो पे करना होता है उनके नॉमिनी यानी एक्सक्यूटर में ट्रांसफर कर। अगर एक्सक्यूटर्स को फाइनल सेटलमेंट एट ए टाइम कैश पे करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनके डेथ पार्टनर के जो अमाउंट है एक्सक्यूटर को लोन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मोर देन वन इंस्टॉलमेंट में अगर पे करते हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाई जाती है एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट। आइए क्वेश्चन के आधार पे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम एक्सक्यूटर लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। आइए अपने स्क्रीन पर जरा एक बार देखेंगे आज का जो लेक्चर है, लेक्चर फोर में प्रिपरेशन ऑफ एक्सक्यूटर्स लोन अकाउंट। कैसे हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आपको एक क्वेश्चन के आधार पे हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन के पहले हम डिस्कशन करना चाहेंगे आपसे 10 नंबर। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 का गिवन है बेटा। जेड एक पार्टनर डेथ कर गया ऑन 30 जून 2020 को। ऑन द डेट ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट के आधार पे एस गलती से लिखा हुआ है वहां जेड होगा बेटा, द एक्सक्यूटर ऑफ जेड वाज इंटाइटल टू अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। मतलब जिस डेट में पार्टनर डेथ किया उस डेट में जेड का एक्चुअल में क्या कैपिटल का वैल्यू होना चाहिए। तो जेट का ऑन द डेट ऑफ डेथ कैपिटल का क्या बैलेंस होगा। बी नंबर, जेट का रेडीमेड दिया हुआ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150, जेट का शेयर ऑफ गुडविल 5000 जो एक्स और वाई गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ विच अमाउंटेड टू बी 750, यानी जेट का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ डेथ यानी अप टू द डेट ऑफ डेथ 750 गिवन इन द क्वेश्चन। एस के एक्सक्यूटर को यानी जेट के एक्सक्यूटर को 1775 रुपया पे किया गया 30 जून 2020 को। तो जेट के एक्सक्यूटर को यानी नॉमिनी को पेमेंट किया गया 1775 30 जून 2020 को ऑन द डेट ऑफ डेथ जब हिसाब किताब बंद हुआ उनका, और बैलेंस को 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है बेटा, जो कि 30 जून 2021 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा with interest 6% per annum. Prepare the JED account to be rendered to his executors and JED executors account till it is finally paid. आइए बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे JED जो death partner है उसका capital account हम कैसे prepare करेंगे। आइए board पर देखेंगे। आइए हम death partner capital account यानी JED का capital account कैसे prepare करेंगे। Already आपके साथ discussion है, आप retirement पढ़े हुए हो, लास्ट लेक्चर में भी हमने बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट जेट का कैपिटल हमने दे दिया, लायबिलिटी साइड में रिजर्व है बेटा, तो रिजर्व जेट का शेयर 1/5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपके क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप शो कर दो जेट का, जेट का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है 750, जेट शेयर ऑफ गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में 5000 जो कि रिमेनिंग पार्टनर यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि गेनिंग रेशियो यहाँ पे 1:1 है। तो दोनों इक्वली बियर कर लिए। फाइनली जेट का जो अमाउंट पे करना है हम उसके एक्सक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। आप इसको राइट डाउन करेंगे आप लोग सभी को। आइए अब हम लोग देखेंगे जेट के कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद उनके एक्सक्यूटर्स का, तो यहाँ पे एक्सक्यूटर लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना आपको। ये उनकी फॉर्मेट हो गई बेटा। घटना है 30 जून 2020 को वो डेथ कर गया बेटा।
जेट कैपिटल से जेट स्कूटर में आपने ट्रांसफर किया ऑन द डेट ऑफ डेथ यानी जून 30 बाय जेट कैपिटल अकाउंट। बेटा आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था, जेट का क्या अमाउंट पेमेंट करना था? 17,400। ऑन द डेट ऑफ डेथ फर्म ने एक्सक्यूटर्स को कुछ अमाउंट पे किया और वो अमाउंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1775। बैलेंस अमाउंट निकाल लिया जा 17,400 में तो आपके लोन में क्या अमाउंट ट्रांसफर हो गया 15,625 बैलेंस सी बाय डी। बेटा अब जरा ध्यान से बात को जरा समझना, टोटल अमाउंट पे एबल टू एक्सक्यूटर्स, क्या अमाउंट टोटल पे करना है बेटा आप 15,625 यस या नो? यस सर। यस सर। और इसको जो पेमेंट करना है बेटा टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना? 4 और वो भी क्या बेटा ईयरली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग 6% इंटरेस्ट बारे ना। यस या नो? यस सर। यस सर। अमाउंट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट तो 15,625 डिवाइड बाय 4 3,906.25 अप्रॉक्स 3906 यस या नो? यस सर। प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट भी चाहिए ना बाबू? यस सर। बेटा समझना थोड़ा ध्यान से, आपने 1 जुलाई को एक कार खरीदा, क्या खरीदे? कार। कार। हर साल एक एक साल का इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करना, ठीक है? यस सर। तो आप बेटा 1 जुलाई 2020 को कार खरीदे तो उसका बेटा पेमेंट एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब करना होगा, कौन सा डेट में? 1 जुलाई 2021। इसमें 1 ईयर जोड़ना होगा ना बाबू? यस सर। तो 1 ईयर जोड़ेंगे तो कब आ जाएगा? 30 जून 2021 ना? यस सर। यस या नो? यस सर। तो बेटा इंस्टॉलमेंट बेटा इस अकॉर्डिंगली ना चलेगा? यस सर। लेकिन यहाँ पे जब अकाउंट बनाएंगे बेटा तो अकाउंट का बेटा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च के हिसाब से ना मेरे को अकाउंट क्लोज करना होगा? यस सर। यस या नो? यस सर। तो जरा हम यहाँ जरा ट्रांसफर अगर करेंगे जरा ध्यान से देखना 2020
कब ट्रांसफर हो गया बेटा? जुलाई फर्स्ट. एनी डाउट? नो सर. क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस डी बाय डी 15,625. यही ना? यस सर. यस बेटा. ये अकाउंट कब क्लोज होगा बताओ? 31st 2021 को ना? यस सर. यस सर. क्या इस डेट में तुम्हारा इंस्टॉलमेंट का डेट आ रहा है? नो सर. नहीं सर. जब इंस्टॉलमेंट का डेट आएगा तभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. नो सर. हम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया गया था 11th में, एक्यूरल कॉन्सेप्ट. मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी खर्च हो गया है, पे या पेएबल, पे कर दिए हो या पे करना बाकी है, फिर भी उस अकाउंट के एंड में, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम शो करेंगे ना? यस सर. आज का खर्च, आज का एक्सपेंसेस कल के एक्सपेंसेस में नहीं ना शो करेंगे? नो सर. आज का खर्च कल पे कर सकते हैं लेकिन आज का खर्च आज ही के बुक्स में रिकॉर्ड होगा. यस या नो? यस सर. तब हम करेंगे क्या सर, अब बताइए? कुछ नहीं. 2021 मार्च 31st को अकाउंट क्लोज होगा ना? यस या नो? यस सर. इंटरेस्ट बेटा पूरा एक साल पर चार्ज करना है ना? यस सर. तो यहाँ जुलाई से मार्च कितना महीना? 9 months. बेटा 9 months के लिए बेटा हम यहाँ पे इंटरेस्ट शो करेंगे. तो बेटा अभी आपने एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं ना किया है? नो सर. नो सर. तो अभी आपके यहाँ टोटल पैसा बाकी ना? यस. तो 6% ऑन 15,625 फॉर कितने मंथ के लिए? 9 months. 9 months. 9 months के लिए. कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर. No. आ गया बेटा 703. कितना आ गया बेटा? 703. कोई कंफ्यूजन? नो सर. तो अभी मेरे को बेटा पेमेंट नहीं ना करना है कि पेमेंट करना है? नहीं करना है सर. तो नहीं करना है तो अकाउंट तो क्लोज होगा ना यहाँ पे? यस सर. चलो अकाउंट क्लोज कर दिया जाए बाबू. $16,328 by balance C by D. अब ये C by D बेटा किस डेट में आ रहा है? 2021 के मार्च में. Any doubt? No sir. No sir. अब यहाँ 2021 अप्रैल फर्स्ट होगा. यस सर. बाय बैलेंस बी बाय डी 16328. एनी डाउट? नो सर. नो सर. अब बेटा 2021 अप्रैल के पास अब ये अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है? मार्च 31st 2022 ना? यस सर. 22. बेटा इस बीच में तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट आ रहा है ना बेटा? यस सर. कब आ रहा है? जून 30. तो जून 30 को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के पहले हमें इंटरेस्ट भी ड्यू दिखाना पड़ेगा ना?
क्योंकि इंटरेस्ट टोटल 12 मंथ का शो करना है ना. यस सर. हमने अभी कितना मंथ का इंटरेस्ट शो किया है? 9 मंथ का. तो 3 मंथ का यहाँ शो करेंगे ना. यस सर. तो वो 3 मंथ कब तक? जून 30. क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट ₹6% ऑन रुपीज, सेम अमाउंट बेटा, क्योंकि अभी पेमेंट नहीं किए हैं. और कितने मंथ के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 3 मंथ के लिए. कितने मंथ के लिए? 3 मंथ. 3 मंथ के लिए. तो 3 मंथ के लिए आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा जी 2,3,4. कोई कंफ्यूजन? नो सर. अब हमें पेमेंट करना है बेटा 2021 के किस डेट में? June 30. तो June 30 को बेटा पेमेंट करना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? टू कैश अकाउंट. जरा ध्यान देके समझना बाबू बेटा, हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना रुपया? 3,906 प्लस 12 मंथ का इंटरेस्ट ना. यस सर. तो 9 मंथ का इंटरेस्ट पहले चार्ज कर चुके थे, कितना अमाउंट? 700. और 3 मंथ का 234. तो ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा बेटा आपका 4,843. ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया. यस या नो? यस सर. यस सर. बताइए ये बेटा लिख लिए हो? स्क्रीनशॉट लियो इसका. स्क्रीनशॉट ले लो तो उसका. बेटा तुमने एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया ना? यस सर. आपको बेटा टोटल कितना अमाउंट पेमेंट करना था? 15,625 ना? यस सर. तो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15,625 में से क्या अमाउंट पेमेंट कर दिया? 3,976 पेमेंट किया है ना बाबू? यस सर. तो अब बेटा आपके यहाँ टोटल कितना पैसा बाकी? 11,719. अब यही अमाउंट तुम्हारे यहाँ बाकी है ना? यस. अब बेटा बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट. अब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बारी है ना बाबू? यस सर. यस सर. तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का स्टार्टिंग कब से होगा? 1 जुलाई 2021 से ना? यस सर. इससे बेटा 1 ईयर. तो 1 ईयर कब तक? 30 जून 2022. ये 30 जून 2022 मेरा इसी अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है क्या? ये अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है? तो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है बेटा 31st मार्च 2022 को ना? यस सर. और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब है? 30 जून. फिर बेटा वही काम करेंगे जो यहाँ किए थे. यस सर. फिर हम 2021 में आ जाए, 22 में. और 22 में बेटा इस डेट में अकाउंट क्लोज करें हम? यस सर. तो अकाउंट क्लोज करेंगे इंटरेस्ट के साथ ना? यस सर. तो इंटरेस्ट सर बताइए कि अब हम इंटरेस्ट किस वैल्यू पर चार्ज करेंगे? तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट किस वैल्यू पर चार्ज करने की बात है? तो अब हमारे यहाँ पैसा कितना बाकी? 11,719. तो 6% ऑन रुपीज 11,719. और कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम? 9 मंथ के लिए चार्ज करेंगे सर. तो 9 मंथ के लिए चार्ज करेंगे बेटा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 527. क्या आ जाएगा?
527। चूंकि अभी इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन नहीं ना आया बाबू। नो सर। अब अकाउंट क्लोज कर दे बेटा। आ गया आपका टोटल 17089 बैलेंस आ जाएगा बेटा 12246। ये बैलेंस 2022 मार्च 31 का होगा टू बैलेंस सी बाई डी। चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट लेंगे। सर बेटा 2022 का यहाँ ट्रांसफर किए थे, अब हम लोग आ जाइए 2022 अप्रैल फर्स्ट। बाय बैलेंस बी बाई डी 12246। अब बेटा इंस्टॉलमेंट का डेट मेरा कितना था? 30 जून सर। 30 जून सर 2022। तो इसी ईयर आ रहा है ना? यस सर। तो आ जाएंगे हम लोग जून 30, फिर वही रटा रटाया काम बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बेटा टोटल कितना, अभी एक ही इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए थे ना, तो जो 9 मंथ का निकाले थे हम यहाँ पे अब 6 मंथ का निकालेंगे बेटा, 3 मंथ का। यस सर 3 मंथ और 3 मंथ तो आइए 3 मंथ का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लिए बेटा 176। तो अब इस डेट पर बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट देना है ना? यस सर। आइए 2022 जून 30 टू कैश अकाउंट। अब हम पेमेंट जो यहां करेंगे बेटा प्रिंसिपल अमाउंट बेटा 3906 प्लस 9 मंथ का इंटरेस्ट बेटा 527 प्लस 3 मंथ का इंटरेस्ट 176। यस या नो, कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे आप? नो सर। नो सर। नहीं सर। तो पेमेंट हो गया इनका 4609। क्लियर है? यस सर। तो बेटा सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर दिए ना? यस सर। मतलब 11790 में फिर 3906 रुपया पेमेंट कर दिए ना बेटा? यस सर। तो अब देखना होगा ना बेटा कि मेरे यहाँ कितना बाकी। यस सर। यस सर 7813। क्या अमाउंट बाकी रह गया आप? 7813। और हमारा फिर 1 जुलाई 2022 से वन ईयर कब तक जाएगा? 30 जून 2023। और मेरा यहाँ अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च। फिर वही रटा रटा है काम करेंगे ना, प्रोसेस में जाएंगे? यस सर। यस सर। कब? 2033 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6% ऑन रुपीज 7813 और कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए निकाल ले बेटा हम लोग। तो 9 मंथ का निकालेंगे बेटा तो आ जाएगा 352। क्या यहाँ आप पेमेंट अभी नहीं ना करना है इस ईयर अभी?
नो सर। क्लोज कर दे बेटा। यस सर। तो आ गया 12,774। डिफरेंस अमाउंट आ गया बेटा 8165। ये 8165 2023 मार्च 31 का बैलेंसिंग फिगर आ गया बेटा, मीन्स टू बैलेंस सी बाई डी। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए आप लोग। नो सर। नो सर। अब फिर यही आगे कंटिन्यू करेगा सर? यस सर। टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अप्रैल 1st बाय बैलेंस बी बाई डी 8165। बेटा 2023 31 मार्च का डेट आ गया ना अब? यस सर। मार्च 31st क्या काम करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट जो 3 मंथ का बाकी है, हम सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। 6% ऑन रुपीज 7813 फॉर कितने मंथ के लिए? 3 मंथ। 3 मंथ के लिए काम करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है? तो 3 मंथ का बेटा इंटरेस्ट आ गया 117। तो 117 आ गया बेटा, तब हम पेमेंट करेंगे ना इधर? यस सर। 2023 मार्च सॉरी जून 30 टू कैश अकाउंट 3,906 रुपया करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू का। यस सर। 9 मंथ का इंटरेस्ट बेटा 352 कैसे नो? यस सर। और 3 मंथ का 117। अब इसका पेमेंट हम लोग करेंगे 4375। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बेटा फिर 3rd इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर दिए ना बेटा हम लोग? यस सर। 7813 में क्या अमाउंट पेमेंट कर दिए? 3906 पेमेंट किए ना? यस सर। तो बेटा लास्ट इंस्टॉलमेंट अब बच रहा है कितना रुपए का? 3907 बचेगा बाबू। यस बेटा। अब अगला इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 23 से 1 साल 30 जून 2024। यस या नो? यस सर। लेकिन बेटा इस अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31st मार्च 2024। फिर वही रटा रटा काम करें हम लोग? यस सर। यस सर। मार्च 31st बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6% ऑन रुपीज 3907 फॉर कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए बेटा। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट बेटा निकल जाएगा आपका 176। अब चूंकि इस यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है हमें, अब अभी कोई ड्यू नहीं है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे बेटा। 8458 आपका बैलेंसिंग आ गया बेटा 4083 2024 मार्च 31st टू बैलेंस सी बाई डी। फटाफट बेटा इसको राइट डाउन या स्क्रीन शॉट लेंगे आप। 2024
अप्रैल फर्स्ट हम अब ट्रांसफर कर लेते हैं यहां से बेटा बाय बैलेंस बी बाय डी 4083 चूंकि अभी इंस्टॉलमेंट का डेट 30 जून 2024 है जो कि इसी ईयर आ रहा है बेटा तो हम सीधा जून 30 को चले और इंटरेस्ट बेटा ड्यू पहले शो करें बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6% ऑन रुपीज 3907 फॉर 3 मंथ का इंटरेस्ट बेटा बाकी था आपका इनका वैल्यू आ गया बेटा 59 क्या आ गया बेटा 59 अब हम यहां पेमेंट कर दे बेटा जून 30 टू कैश अकाउंट प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे 3907 है ना यस या नो यस सर प्लस लास्ट 9 मंथ का इंटरेस्ट 176 प्लस 3 मंथ का इंटरेस्ट 59 जोड़ लिया जाए बेटा पेमेंट क्या करना है तो 4142 क्लियर है यस सर अब हमारा इंस्टॉलमेंट कोई ड्यू नहीं ना है नो सर आप क्लोज कर दें बेटा यहाँ पे हम लोग जब इंस्टॉलमेंट फाइनल हो गया तो हमारा बोथ साइड बेटा इक्वल होना चाहिए तो देख लो आप जोड़कर बोथ साइड इक्वल है कि अनइक्वल है इक्वल है सर यही बेटा लोन अकाउंट आपका है स्कूटर लोन अकाउंट हम आज एक क्वेश्चन पे आपका बात किए हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन पे हाफ ईयरली पे चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही सभी को गुड नाइट जय श्री राम जय महादेव